अज इलैक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टर्स मैडिकल एसोसीएशन पंजाब की मीटिंग मोगा के चोखा अंपायर विखे हुई। इस मीटिंग दौरान पंजाब अते हरियाणा के वख-वख जिलों तो वड्डी गिणती विच डॉक्टर ने शमूलियत की। अज की मीटिंग नूं संबोधन करदिआं डॉक्टर जगजीत सिंह गिल, डॉक्टर दरबारा सिंह, डॉक्टर नवजोत सिंह राजपुरा, जे एस खोखर, डॉक्टर जगतार सिंह सेखों, डॉक्टर पूनम लुधियाना, डॉक्टर जसविंदर, डॉक्टर परमिंदर पाठक, डॉक्टर एस के कटारिया बठिंडा, डॉक्टर जसविंदर सिंह समाध भाई, डॉक्टर मनप्रीत सिंह, डॉक्टर शिंदर सिंह कलेर, एसोसीएशन के प्रधान डॉक्टर जगमोहन सिंह अते डॉक्टर तलोचन सिंह ने डॉक्टर नाल अपने तजर्बे अते इलैक्ट्रो होम्योपैथी दवाइया राही कीते जाण वाले इलाज संबंधी जानकारियां सांझियां कीतियां। इस मीटिंग दौरान समुचे डॉक्टरों वल्लों वातावरण नूं प्रदूषण रहित करन लई 10-10 पौधे लाउण दा संकल्प लिया गया। इस समागम के अंत विच डॉक्टर जगतार सिंह सेखों, डॉक्टर जसविंदर सिंह समाध भाई वल्लों हरियाणा तो मीटिंग विच शामिल होण लई पुज्जे वड्डी गिणती विच डॉक्टरों नूं एसोसीएशन दी मैगजीन दे के सन्मानित किया गया। क्योंकि इलैक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम ही इहो जिहा सिस्टम हैगा जिहड़ा शरीर नूं तंदुरुस्त करदा है, क्योंकि बहुत सारिया अलग अलग पैथियां हैगियां जिहदे विच रोग नूं ठीक किया जाता जां कोई साइन सिम्पटम ठीक किए जाते हैं जां बॉडी स्ट्रक्चर नूं कुछ हद तक ठीक किया जाता है। पर मैडिकल ने आपां नूं इहो जिही पैथी देती जिहदे विच बेसिक रस्ते रख जिन्हों ब्लड कदम कहने हैं उन शुद्ध साफ करके प्योर करके तंदुरुस्त करके एक वधिया मनुख को तंदुरुस्त किया जाता। सो मेन टॉपिक ते आने हैं डॉक्टर खोखर जी बहुत वधिया तरीके नाल आपां नूं एनाटॉमी फिजियोलॉजी दोनों चीज़ां दस के गए हैं। सो उस नाल संबंधित कुछ डिजीज जो पेशेंट अपने को लेके आते हैं अपन उन्होंने किमें ठीक कर दिया है किमें ठीक कर सकते हैं तो थोड़े ना चर्चा करते हैं। जिमें आप देखते हैं कि लीवर दी प्रॉब्लम हो जाए जां लीवर का साइज बचे उत्थे भी आप S3 की वरतों करके बहुत वधिया रिजल्ट आप ले सकते हैं। जां जिहड़े बच्चे दंद कड़ते ने दंद आते हैं छोटे बच्चों के तो उन्होंने दस्त वगैरह लग जाते हैं तो उत्थे भी आप S3 के नाल C4 ला के आप वधिया इत्थे रिजल्ट लै सकते हैं। अंतरियां की सोज आ उत्थे भी यह बहुत वधिया काम करती है दस्त के उत्ते बहुत वधिया काम करती है पेचस के उत्ते ते अंतरियां के कीड़े के उत्ते टैंपरामेंट सुभा किहो जिहा हैगा जिहड़े इहो जिहे रोगी हुंदे आ असहनशील होना किसी चीज़ नूं ज़्यादा भड़काता है सहन ना करना तो बहुत सारिया चीज़ों की डिमांड करना उन्होंने ठीक करना बेअराम रहना अच्छा महसूस ना करना तो रोन ठीक करना तो उन्होंने जी नेचर होंगी है वो बड़ी कह सकते कि आप अकड़ापन जन चिड़े जो रहना चिचड़ापन जहा रहना तो फेस भी उन्होंने जिमें पीलापन जहाँ उन्होंने फेस को पता लग जाता भी यह इस नेचर के इंसान ने। 1920 यूरोप कंट्री के क्रिकेट्स के काफ़ी केस आए थे तो उन्होंने केसों को देखते हुए डॉक्टर हेडवर्ड मिलन बाई ने विटामिन डी की खोज की थी। थोड़ी जी की डेफिनेशन विटामिन डी साडा फैट सलेबल विटामिन है तो कितने कितने हेल्प करता है जी बोन स्ट्रोंग करता है एंड टीथ विटामिन D3 का जो कैमिकल नेम है कोर कैल्सीफ्लोर लास्ट टाइम भी दसिया जो विटामिन D3 इतों साढ़े जाता लिवर एंड किडनी च लिवर एंड किडनी तो अगे वो कन्वर्ट करता है विटामिन D दे विच इट मीन जी
सनलाइट है वो साधा एक सोर्स हो सकता है जिहड़ा कि साडी फैट नूं गांह कन्वर्ट करदा ना कि उहदे च विटामिन डी हुंदा बहुत सारे असीं सोचदे सी कि धुप्प दे विच विटामिन डी हुंदा वो ऐसा नहीं है समझ लगी सर क्योंकि साडी जिहड़ी स्किन है स्किन दे विच एक फैट हुंदी है जिहनूं असीं डीहाइड्रोप्रोसेसाइड बोलदे हां जदों साडीआं यूवी रेज पैंदी है वो कन्वर्ट किहदे च हो जांदा और कैल्सीफोल दे विच जिहनूं असीं डी3 बोलदे हां वो अगे जाके साडे लिवर एंड किडनी च जांदा है लिवर एंड किडनी तो प्रोड्यूस होके कैल्सीफ्रोल जिन्होंने उसकी विटामिन डी बोल दिया ठीक है सर ये आउट दे करता हूं दस दिन सर तुसी देखिए पिछले जो मैं एक किडनी स्टोन का रिजल्ट पाया सी वो 22.6 एमएम की पथरी सी सर सीरियो मल्टीपल दोनों किडनियां दे विच सी एक राइट किडनी दे विच सर 4 पथरियां सी और लेफ्ट किडनी दे विच 3 पथरियां सी तो 1 वीक दे विच ही सर वो जिहड़ी हैगी है 4 पथरियां निकलियां सी जिहड़ी 22 एमएम दी सी निकलना अच्छा 15 अगस्त भी है सारे नहीं कहना छुट्टी है पेशेंट बहुत आएंगे सही है ते नेक्स्ट 15 अगस्त की मीटिंग है सर अपनी उस दिन आपां इत्थे इक छोटा जिहा आजादी दिवस का समारोह भी रखांगे ठीक है ते इस तो इलावा डॉक्टर जगमोहन जी जिहड़े अपनी एसोसिएशन के प्रेजिडेंट आ उन्होंने स्पैशल रिक्वेस्ट कर जिहड़ी कि मैनू लगता भी अपन सारिया नूं जरूर मननी चाहिए है असी अगले महीने की 15 तरीक तो पहला 10 प्लांट्स लावांगे ते उन्हां दे चलन तक उन्हां दी देखभाल भी कराएंगे परमात्मा अगे असी अरदास करदे थैंक यू 15 जुलाई 2022 नूं चोखा एम्पायर मोगा विखे EDMA की महीनावार मीटिंग की गई। इस मीटिंग में पंजाब अते हरियाणा तो आए हुए वक्रे वक्रे शहरों तो डॉक्टर साहिबान ने भाग लिया। इस मीटिंग में रिप्रोडक्टिव सिस्टम बारे विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। इस तो अलावा उन्होंने नाल संबंधित वक्रिया वक्रिया बीमारियों का इलाज इलैक्ट्रोमोपैथी दवाइया द्वारा दसया गया। इस मीटिंग इलैक्ट्रोमोपैथी दवाइया लाइक इस सक्रोफ्लोसो 3 नंबर प्लांट्स होर बहुत सारिया जानकारियां दी गई। इस मीटिंग तो वक्रे वक्रे डॉक्टर साहिबान अपने क्लीनिक्स ला इलाज बीमारियों का इलाज करते हैं क्योंकि इलैक्ट्रोमोपैथी इलाज विधि जड़िया बूटिया आधारित है और इसका शरीर के उपर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पैंदा और इलैक्ट्रोमोपैथी दवाइया शरीर के अशुद्धियों दूर करके रोगों को ठीक करती है। इसका शरीर के उपर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पैंदा। थैंक यू सर। डॉक्टर जगमोहन सिंह वख-वख डिजीज़ उत्ते जिहड़े हैगे विचार चर्चा की गई। इत्थे 2 स्टेटां तो जिहड़े हैगे आ EH दे डॉक्टर इलैक्ट्रोहोमोपैथी जिहड़े प्रैक्टिस करदे आ वो डॉक्टरां दी जिहड़ी हैगी मीटिंग हुई चोखा अंपायर दे विच। इह साडी सर मंथली मीटिंग जिहड़ी हैगी असीं हर मंथ बाद इत्थे जिहड़ी चोखा अंपायर दे विच मीटिंग करदे आ कीती गई आ। वो सौण दा महीना अगे आ रहा तां अज जिन्नियां भी संस्थावां जिहड़ियां हैगियां पंजाब दे विच जिहड़ियां कम करदियां वह प्लांट्स लाउण ते ज़्यादा दे रहे आ तवज्जो तो साड़ी भी EDMA की जी मेन संस्था है इन्हें भी जोड़ा है मेन प्रण लिया है भी असी एक एक डॉक्टर आपदे आपदे एरिए 10-10 प्लांट लावे और उन्होंने चक असी पालेंगे जिन्हें चक वो बड़े नहीं हो जाते जी। असी अज इलैक्ट्रोहोम्योपैथी मैडिकल एसोसीएशन पंजाब की मीटिंग अटेंड करके बहुत वधिया लग्या। सानू नवीं जिहड़ियां मैडिसिन बारे बहुत जानकारी मिली सानू और असी इन्नी दूर इसी वास्ते आने कि सानू नवी नवी जिहड़ी मेडिसिन की जानकारी मिले। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ है, मैं अम्बाला में हूँ। मेरा प्योर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिशनर हूँ। यहाँ आने का मेरा पर्पस ये है कि हमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो हमारी कमी पेशियाँ लगती हैं वो दूर करने के लिए आते हैं। सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हमें एक इंसानियत का रंग भी सिखाया जाता है अपना कल्चर को और अपने
पेड़ पौधों के तरफ प्यार कितना रहना चाहिए, हमें जैसे आज सावन का महीना शुरू हुआ है, कल से शुरू हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें कैसे पेड़ पौधों को लगाना है इसके बारे में बताया जाता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के रिलेटेड किन किन डिजीज़ के बारे में हमें बताया जाता है और कैसे कैसे क्योर के बारे में बताया जाता है, तो इस चीज़ में हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है यहाँ आने का। मैं इसके लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन पंजाब हरियाणा उनको बधाई देने का पात्र समझता हूँ और धन्यवाद सर कि आपने मेरे को इस लायक समझा कि मैं यहाँ खड़ा हो पाया और अपने देश और अपने पेड़ पौधों के लिए उनकी नॉलेज और उनके जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में जानकारी हमें मिली है, उसके लिए मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ।